हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलराउंडर चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पसंद आए वीडियो तो इसे शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करें। यह भी गौ पुराण का ही एक आपको चैप्टर बता रही हूँ। इसमें है सृष्टि की उत्पत्ति। सूर्य को हम सोचते हैं महत्व नहीं समझते हैं ना कई लोग, जल देना, तो उसका आपको महत्व बताऊँ। सूर्य से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सूरज बना हुआ है और ये देखिए उसमें से तीन गुण निकले हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ठीक है, इन तीनों से ही ओम किसे कहा जाता है और उससे ही उत्पत्ति हुई है। ये टॉपिक यहाँ दिया हुआ है, सूर्य से सृष्टि की उत्पत्ति। सूर्य से प्रभावित किरणों में तीन शक्तियाँ विद्यमान हैं, जो शक्तियाँ मैंने आपको नीचे दिखाई वो। ठीक है, उसके बाद क्योंकि सूर्य की प्रथम किरण से सतोगुण शक्ति का प्रभावित होता है, जिसे भूलोक सृजन शक्ति के रूप में धारण करता है, इसी शक्ति को हम ओम कहा गया है। अब आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार में, तो आप वीडियो को दो बार तीन बार भी देख सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, खुद दो तीन बार पढ़िए, आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें आप दूसरों को समझा सकेंगे। तो मेरी वीडियो पसंद आई, शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू दोस्तों, जय श्री हरी।